प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। ये सुंदर समय परमेश्वर ने हम लोगों को दिया, मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहूँगा। उसके साथ साथ मैं आप लोगों को कुछ कहना चाहता हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस संसार में हर एक लोग कुछ ना कुछ विषय को लेकर चिंता करते रहते हैं, ये सोच के कि हम जब चिंता करेंगे कुछ भी तो चिंता करके कुछ तो कर सकते हैं, करके कुछ उपाय हमको मिलेगा, कुछ आइडिया हमको मिलेगा। लेकिन मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ मेरे प्रिय भाई बहनों, चिंता कुछ भी बदलती नहीं है, इसे याद रखना। चिंता कुछ भी बदलती नहीं है, परंतु परमेश्वर में भरोसा करना हर चीज़ को बदलता है। अगर हम परमेश्वर को भरोसा करते हैं तो हमारी हर परिस्थिति बदलेगा, हमारी हर समस्याएं टल जाएंगी यदि हमारा भरोसा परमेश्वर पर रहता है। आज लोग मनुष्य के ऊपर ही, एक लोग और दूसरे लोग के ऊपर ही भरोसा करते हैं। जो कोई मनुष्य के ऊपर भरोसा करता है, जो मनुष्य के पास कुछ भी आपको उद्धार करने का शक्ति भी नहीं, उस इंसान को अगर आप भरोसा करते हैं तो केवल आपको निराश के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन मेरे प्रिय प्रभु यीशु मसीह के ऊपर आप जब भरोसा करते हैं तो आप उस सारे विषय को हासिल कर पाएंगे जो आप आज तक आशा लगाए रहे हैं, आज तक इंतजार में हैं, इसे याद रखना। तो इसलिए आप कोई सी किसी भी बात को लेकर इतना वरीड, इतना चिंता मत होइए। बाइबल बताती है कि हमें हमारी जो चिंताएं हैं वो प्रभु को देना है, क्योंकि प्रभु हमारे लिए चिंता करता है। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, क्या आज हम हमारी चिंताओं को प्रभु को दे रहे हैं क्या? प्रभु हमारी हर एक आवश्यकता को पूरा करने के लिए वो तैयार है, हमारी परिस्थितियों से हमें मुक्त करने के लिए तैयार है, हमारे रोगों से वो छुटकारा देने के लिए, चंगाई देने के लिए वो तैयार है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम हमारी जो चिंताएं हैं उस चिंताओं को लेकर हम ही खुद उपाय ढूंढने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम उसमें सफलता नहीं हो पा रहे क्योंकि हमारा भरोसा प्रभु पर नहीं है। आज मेरे प्रिय भाई बहनों, आपका परिवार में कोई चिंताएं हैं, आपके परिवार में कोई परेशानियां हैं, आपके परिवार में किसी भी बात को लेकर आज तक आप रो रहे हो, आज तक आप सब लोग वो राह देख रहे हो कि कब आपका परिवार बदलेगा, आप प्रभु पर भरोसा रखो। जब प्रभु के ऊपर भरोसा रखोगे आपके जीवन में एक नया जीवन आएगा, एक नया मार्ग को आप देखोगे। परमेश्वर उपाय करने वाला परमेश्वर, वो आपको, आपके परिवार को बचाएगा, वो आपके जीवन में हर एक मुसीबतों से आपको छुटकारा देने के लिए वो तैयार है। क्या आप अपने हाथों को प्रभु के हाथों में सौंपेंगे? क्या आप अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में देंगे? तैयार हो जाइए, परमेश्वर आपकी चिंताओं को अतिशीघ्र चिंताओं से मुक्त करने जा रहा है। मैं गॉड ब्लेस यू, इसे सदा याद रखना। धन्यवाद।